इस आर्डिनो स्टेशन के अंदर आर्डिनो के स्लॉट्स हैं? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पैसिफिक ओवरसीज। आवर शॉप एड्रेस इज 712 ओल्ड लाजपत राय मार्केट, दिल्ली 06। एंड द नंबर जिस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे वो नंबर है 8860365533। गाइस ये नंबर सेव कर लीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए जिनकी हम वीडियो बनाते हैं। हम जनरली होलसेल में डील करते हैं, तो हमारे पास इन प्रोडक्ट्स का और बाकी प्रोडक्ट्स का जिसका हम वीडियो बनाते हैं उसका होलसेल हमारे पास रहेगा। आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम वीडियो बनाएंगे वो प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या आप ऐसे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, वो ये प्रोडक्ट्स देख के जान गया होगा कि इनके नाम क्या है। अगर आप नहीं जानते और अगर आप जानते हैं तो आपको बताती हूँ। ये है 7S BMS 20 एम्पियर एंड दिस ये है एक आर्डिनो स्टेशन बोर्ड। कि मैंने आपको बताया ये है 7S BMS 20 एम्पियर। तो पहला सवाल कि ये BMS होता क्या है? BMS एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो एक रिचार्जेबल बैटरी को मैनेज करता है, जैसा कि उस बैटरी को प्रोटेक्ट करता है कि वो बैटरी अपने सेफ ऑपरेटिंग एरिया के बाहर ऑपरेट ना करे, उससे प्रोटेक्ट करता है। उसका स्टेट को मॉनिटर करता है, ये कैलकुलेट करता है कि उसका डेटा क्या निकल रहा है, उसके डेटा को रिपोर्ट करता है और उसके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है और उसको बैलेंस करता है। ये काम होता है एक BMS का। तो उसी BMS की वैरायटी में आता है एक 7S 20 एम्पेयर BMS। मैंने आपको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑपरेशन तो बता दिया। उस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में 7S 20 एम्पेयर है एक, जो कि कैसे काम करता है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि ये BMS एक बैटरी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये वाला 7S BMS किस बैटरी को प्रोटेक्ट करता है? 7S BMS प्रोटेक्ट करता है 18650 वाली बैटरी को। इस बैटरी का नाम है 7 सेल्स 4.2 वोल्टेज लिथियम आयरन बैटरी। ये उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है। तो जब भी हमें 7 सेल्स 4.2 वोल्टेज लिथियम आयरन बैटरी से कुछ बनाना होता है, हम उस बैटरी में 7S 20 एम्पेयर वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अटैच करते हैं ताकि वो लिथियम बैटरी संभली रहे, उसका वोल्टेज और करंट सब कुछ मैनेज होता रहे, कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, उसका एनवायरनमेंट ऑथेंटिकेट होता रहे। उस चीज़ के लिए हम 7S 20 एम्पेयर बैटरी यूज़ करते हैं उस लिथियम आयरन बैटरी में। मैं आपको थोड़े फीचर्स इसके और भी बताती हूँ। इसमें ओवरचार्ज प्रोटेक्शन फंक्शन है। अगर आपकी बैटरी ओवरचार्ज हो गई है तो इसमें इस BMS की वजह से उसमें इंडिकेशन आएगी कि अब ये बैटरी ओवरचार्ज हो चुकी है, इसे और फर्दर चार्ज मत करिए, तब आप उसको ऑफ कर देंगे। डिस्चार्ज प्रोटेक्शन फंक्शन भी है इसमें। अगर आपको डिस्चार्ज की प्रोटेक्शन करनी है उस लिथियम बैटरी में, आपको इस BMS के थ्रू वो पता चल जाएगा और आप वो कर सकेंगे। ओवर करंट प्रोटेक्शन फंक्शन भी है। जब आपकी बैटरी ओवर करंट दे ही जा रही है जिससे वो अटैच्ड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, जब बैटरी ओवर करंट दे रही है, उस चीज़ का भी प्रोटेक्शन कि उस बैटरी को कुछ ना हो, उस चीज़ का प्रोटेक्शन करेगा ये BMS। बैलेंस प्रोटेक्शन फंक्शन भी है इसमें। वोल्ट करंट को बैलेंस करने का, कोई भी अगर मिस बैलेंस हो रहा है बैटरी में किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक वेव का, उसको ये 7S 20 एम्पेयर BMS बैलेंस करेगा। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बैटरी है वो किस किस में लग सकती है।
देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि ई रिक्शा या कोई भी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, उनमें ये लग सकता है. ये ऑल्सो जो इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, उसमें लग सकता है. मोटर्स में लग सकता है. जो एयरक्राफ्ट मॉडल्स होते हैं उनमें लग सकता है. आप देखिए कि कैसे ये छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी चीज़ में काम आती है. जितनी ही साइज़ में छोटी है, उतनी ही बेनिफिट्स में बड़ी है. और जो भी चीज़ें जिसमें हैवी करंट होता है, हैवी करंट लोड होता है, उसमें ये लग सकता है. सो गाइज, 27S 20A BMS के लिए इतना ही. सो दिस इज़ आर नेक्स्ट आइटम. इस आइटम का नाम है आर्डिनो स्टेशन. आप देख सकते हैं आर्डिनो स्टेशन में LEDs हैं, आर्डिनो स्टेशन में प्रेस बटन्स हैं, आर्डिनो स्टेशन में रजिस्टर बैंड्स हैं. ये रजिस्टर्स हैं. एक डिजिटल LED स्क्रीन भी है. तो ये किसके काम आता है? अगर आप लर्नर हैं और आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करनी नहीं आती, जैसा कि मैंने वीडियो में, इससे पहले वीडियो में एक आर्डिनो ऊनो और आर्डिनो नैनो पर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी प्रोग्रामिंग आप कंप्यूटर के थ्रू USB लगा के कर सकते हैं, आर्डिनो नैनो और आर्डिनो ऊनो की. अगर आपके पास आर्डिनो स्टेशन है तो आपको कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक सिंपलर वे है एक आर्डिनो नैनो और आर्डिनो ऊनो को प्रोग्राम करने का. तो बेसिकली ये बिगनर्स के लिए है. अगर किसी को सीखना है तो वो आर्डिनो स्टेशन यूज़ कर सकता है. इसमें आर्डिनो नैनो और आर्डिनो ऊनो दोनों ही काम करेगा. इस आर्डिनो स्टेशन के अंदर आर्डिनो के स्लॉट्स हैं. इसमें 8 LED स्क्रीन्स हैं. इसमें इनबिल्ट बजर है. इसमें 8 पुश बटन्स है. पोटेंशियोमीटर है, LDR है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है, जिसको DHT11 भी कहा जाता है. इसमें ऑन बोर्ड LCD भी है. इसमें ऑन बोर्ड ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है. इसमें ऑन बोर्ड 4x4 कीपैड मैट्रिक्स का भी ऑप्शन है. और इसमें पावर पिन्स भी हैं. तो ये बहुत ही होलसम बोर्ड है. अगर आपके पास ये बोर्ड है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपने अपना आर्डिनो ऊनो और नैनो को कैसे प्रोग्राम करना है, क्योंकि इसकी मदद से बहुत ही इजीली, एफर्टलेसली आप आर्डिनो ऊनो और नैनो को प्रोग्राम कर सकते हैं. थैंक यू. सो गाइस, आज के लिए इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आपको कुछ कमेंट्स में हमें बताना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये प्रोडक्ट्स या और प्रोडक्ट्स जिनकी हमने वीडियोस बनाई हैं और हम आगे भी बनाते रहेंगे, आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, हमारे कैटलॉग के बारे में जानना है, तो हाँ, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं ये नंबर, हमारा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी. अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. अगर ये वीडियो किसी और के काम आएगी तो ये वीडियो शेयर करिए. आप सपोर्ट करिए. आप जितना थोड़ा कर सकते हैं आप उतना करिए, पर आप सपोर्ट ज़रूर करिए. सो थैंक यू एंड नमस्ते.